Trailer of Crack. How was the trailer first? It was an amazing, like Arjun Rampal, the, you know, action player. And then Vidyut came and it was an amazing movie. Then Nora's role, it was just amazing. And I hope I'll see this movie. People are appreciating the action of this film. What do you have to tell? It was amazing, like the actions and the scenes they have done. It was very amazing. And I saw and I hope I'll see the movie. What do you guys say about Vidyut Jamwal and the face-off between Arjun Rampal? Actually, I'm quite excited to see their face off. Like, in real, they are very good. But in movie, I have to see that. What's your rating out of 5? 4? That's pretty nice. Thank you. Thank you. So, finally, Crack ka trailer dekha hai, kaisa tha? Achha tha, kaafi achha tha. Action movie tha. Bahut sara dhoom, dhamaka, everything. Aur heroes ne bahut achha action kiya usme. Very nice. It was really worth watching. खास करके विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल की काफ़ी तारीफ हो रही है एक्शन को लेकर, उनके एक्शन वगैरह कैसा लगता है? बहुत अच्छा था एक्चुअली, मतलब इट वॉज रियली वर्थ, दे आर डिजर्विंग. आई होप इट वुड बी द बेस्ट. क्वाइट एंजॉयबल, राइट? यस, क्वाइट एंजॉयबल. नौरा प्रदेश इज फर्स्ट टाइम इन डेब्यू इन एक्टिंग. शी वॉज ऑल्सो कूल, शी वॉज वेरी नाइस. ओके, व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? 3.5. थैंक यू. कैसा लगा क्रैक का ट्रेलर? खतरनाक भाई साहब, बहुत दिनों बाद ऐसा ट्रेलर लगा कि यार दिल खुश हो गया देखने के बाद. तो दिल को मजा ही मजा, एकदम परफेक्ट. फाइट एक्शन सीन्स बोलो यार, टैग सर आप सीखो कुछ विद्युत जमाल, प्लीज आप गुरु से कुछ सीखो. आगे ट्यूशन लो उसके पास आगे तुम, कि एक्शन कैसे किया जाता मूवी के अंदर. रियल एक्शन क्या लग रहा है मेरे ख्याल से बोलने की, रियल में किया एकदम खुश से किया उसने सब कुछ. खतरनाक किया लेवल, मजा आ गया. एक्शन के लिए भरपूर मजा आया. हाई स्पीड की काफ़ी तारीफ हो रही है जी, एक्शन की बात करूँ खतरनाक लेवल पे शूट किया गया एकदम, मजा आ गया एकदम. लोग बहुत सारे लोग हॉलीवुड की मूवी से कंपेयर करेंगे, ऐसा मत करो. ये बॉलीवुड की मूवी है, खतरनाक लेवल पे. विद्युत जामवाल और एंटागनिस्ट मतलब विलेन का किरदार निभा रहे हैं अर्जुन पाल रामपाल, दोनों का जो जो क्लाइमैक्स में होने वाला है ना यार, वो चीज़ देखो तो अभी तो सोच के हालत खराब हो जाएगा. क्या होगा वहाँ पे, क्या चीज़ होने वाला है वहाँ पे. आप अभी ट्रेलर में इतना दोनों आमने सामने जो चिल्ला रहे हैं वो चीज़ को देख के तो ज़्यादा खतरनाक हाइप बनने वाले मूवी वैसा लग रहा है मेरे को. क्या बात है, विद्युत जामवाल के बारे में क्या ख्याल है? विद्युत जमाल के बारे में तो यार मैं उसको बहुत अच्छा, मैं बोलते हैं मैं आई एम फैन हूँ उसका, मैं यूज़ फैन हूँ उसका. मैं उसकी हर मूवी देखता हूँ, ऐसे नहीं कि ये विद्युत जमाल की करे का देखना, ऐसे सब मूवी देखा है उसके. स्टैंड में कमांडो बोलो तो दोनों पार्ट देखा मैंने उसका, कमांडो का चाहे खुदा हाफिज बोलो मैंने वो सब देखा मैंने ऐसा. इसी के साथ साथ नोरा फतेही फर्स्ट टाइम एक्टिंग में घुस रही है, क्या लगता है? उसको इग्नोर ही कर दो सही है उसको तो कुछ ऐसा लगा, इग्नोर ही करना पड़ेगा उसको, ऐसा लग रहा है मेरे को उसको इग्नोर ही करना पड़ेगा कुछ नहीं हो ऐसा. फाइव में से 4 स्टार दूंगा मैं. जीतेगा तो जिएगा. देखो यार ट्रेलर देखा मैंने, ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर मेरे को काफ़ी अच्छी लगी. फुल एक्शन पैकेज दिख रहा है, फुल मास है इसमें. जिस तरीके से विद्युत जमवाल को हम लोग देखना पसंद करते हैं, एक्शन स्टंट करते हैं वो, उनको डबल बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से सारे एक्शन सिक्वेंसेस करते हैं. एक एक सीन देखोगे आप ट्रेलर में तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार अलग लेवल में एक्शन दिख रहा है. बाकी रहा उनका अर्जुन रामपाल और विद्युत जमाल की जो बॉन्डिंग है विलन और हीरो की, वो भी मुझे पसंद आया. और खासकर ट्रेलर में एक जगह पे जहाँ पे अर्जुन रामपाल ऐसे कुत्ते की आवाज़ निकालते हैं वो करके, तो वो सीन यार मेरे को काफ़ी पसंद आया. और ट्रेलर जहाँ पे लॉन्च था, मतलब कि वो वहाँ पे ना यार सिटी ताली बज रही थी सिर्फ ट्रेलर देख के, तो आप सोच सकते हो कि मूवी में क्या होएगा 23 फरवरी को. उसके बाद आते हैं गर्मी, मतलब कि यार माहौल ठंडी चल रही है, लेकिन नूरा जब आई तो पूरा माहौल मतलब कि एसी चल रहा था फिर भी यार गर्म हो गया, मतलब पसीने आने लगे उसको देख के. तो सोच सकते हो आप नूरा फतेही का एक अलग ही माहौल होता है, वो जब भी जहाँ पे आ जाती है तो पूरा गर्म हो जाता है माहौल, समझे ना. तो देखो अभी नूरा फतेही को आप लोग हमेशा देखते होंगे, आइटम सॉन्ग हर मूवी में करती थी वो. खासकर देखा जाए तो वो जो हमारे टी सीरीज के हैं ना भूषण कुमार, वो कुछ ज़्यादा ही उनको अपने आइटम सॉन्ग लेते हैं अपनी फिल्मों में, लेकिन पहली बार वो लीड एक्टर में दिख रही है. आप देखते हैं कि कितना वो उस कैरेक्टर को निभा पाती हैं या आने वाली वो एक्ट्रेस बन पाती हैं कि नहीं बन पाती है, तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा. ओवरऑल ट्रेलर मास है. क्या कहना रहेगा, 5 में से 4 कितने रहेगा? देखो रेटिंग क्या दूं मैं इसका, जो एक्शन जिस तरीके से उन्होंने शूट वगैरह किया है तो 5 ले लो यार, 5 स्टार. थैंक